हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माटी मीडिया। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। एक ऐसा लिक्विड जो फ्री में बनता है और किसी तरह किसी भी रोग का वो उससे इलाज हो जाता है। पौधे में चाहे मिली बैग लगा हो या मड़ोर की बीमारी हो पत्तों में या और कोई कीट लगा हो, वो उससे सभी से निजात दिला देता है। ऐसा मैं आपको लिक्विड बना के दिखाने जा रही हूँ। लिक्विड बनाने के से पहले आपको मैं कुछ बगिया में दिखाना चाहती हूँ। देखिए, पेड़ तो सभी गमलों में मैंने लगाए और एक समान सभी में खाद पानी हर रोज़ डालती हूँ और उनकी देखभाल भी करती हूँ। टाइम टू टाइम दवाई भी डालती हूँ, लेकिन कभी कभी बागवानी करने में कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। जैसे आपको दिखाना चाहूँगी, ये सब पेड़ कितने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन देखिए ये मिर्ची का पेड़ इतना अच्छा चल रहा था, इसमें इतनी इतनी बड़ी मिर्चियाँ लगी थी और इसी में एकदम ऐसी बीमारी आई कि सारे पत्ते, ये देखिए सारे पत्ते मुड़ने लगे और ये मिर्ची और फूल सब गिरने लगे। अब ये बीमारी आ गई, इसका इलाज करना नहीं तो ये पूरा पेड़ को बर्बाद कर देंगी। और इसी का इलाज करने के लिए मैंने नीम का पानी बनाना जा रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब देखिए ध्यान से आप, ये गोभी अच्छा चल रहा है, लेकिन ये कैबेज जो है इसमें देखिए कीड़ों ने सब खा लिया। आज इसके पत्ते तोड़े हैं, इसमें दवाई डालेंगे और मुझे विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा। और देखिए किस तरह से, ये देखिए ये छेदक वाला कीड़ा लग गया और ये सारे पत्तों में छेद कर रहा है। और इधर आइए, उसी के बीच में कुछ पौधे, ये देखिए अच्छे से गोभी आ रहा है इसमें। कुछ पेड़ खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनके लिए इलाज ढूंढना पड़ता है। ये देखिए, अब ये शिमला मिर्च का पेड़ था, बड़ी इसमें बहुत सारी शिमला मिर्ची लगी, लेकिन अचानक इसके पत्ते मुड़ने लगे। ये समर और विंटर के बीच में ये परेशानी जरूर आती है। और ये देखिए मिर्ची का पेड़, इसकी भी सारी पत्तियां मुड़ गई हैं, मैंने काट दी ऊपर से। अब दवाई डाल वो लिक्विड डालेंगे बना के, ये फिर से चलने लगेगा। अब आप ये देखिए इसमें कितनी सेम में कितने अच्छे से फूल आ रहे थे, यहाँ तक ये देखिए फलियां लगने लगी। लेकिन इसके साथ साथ में अगर इस तरह की भी बीमारी हो तो जो नीम का पानी हम बनाएंगे वो आप उस ऐसी बीमारी में भी डाल सकते हैं। या काली पड़ गई पूरी डाली इसकी, इस बीमारी में भी वो कामगार है, बहुत यूजफुल है, आप डाल के देखना। ये देखो बीमारी कितनी बुरी तरह से लगी इसमें, ये देखिए ये पत्ता है, ये अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो पूरी सेम को बर्बाद कर, पेड़ को बर्बाद कर देगा ये। फिर एक ही रास्ता होता है कि पेड़ को काट के फेंक दो, इसलिए पहले से इसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये बच जाएगा, नहीं तो कितना अच्छा पेड़ चल रहा था। इसको देखते हो, इसको तो पहचानते हो, ये हर जगह मिल जाता है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। हम लोग भी साउथ में 8-10 साल रहे और मैंने देखा नीम वहाँ बहुत मिलता है, तो ये नीम है हर जगह मिलता है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, इंडिया में हर जगह नीम मिलेगा और ये फ्री में मिलता है, तो ये नीम है। ये देखिए इसको, नीम को पत्तियों को इस तरह से तोड़ लो, ये इस तरह से तोड़ लो, मैंने तो तोड़ के इकट्ठा कर लिया। एक ये है आँख, ये इसको शायद इसको भी पहचानते हो आप लोग, ये आँख का पेड़ है, ये कीड़ों का बिल्कुल, कीड़े इसकी महक से ही भागते हैं। इसके पत्ते भी हमने पहले से तोड़ रखे हैं और ये आपको दिखाने के लिए रखा था। और ये कनेर है, ये धतूरा है, जो शिव जी पर फल चढ़ता है वही ये धतूरा है, इसके पत्ते। अगर ये चीज ना हो तो सदाबहार का पेड़ हो उसके पत्ते भी डाल सकते हो, कनेर के भी डाल सकते हो, और कुछ भी ना हो तो नीम तो आपको हर जगह मिल जाएगी, केवल नीम का ही पानी सही एनफ रहेगा। इसलिए अगर ये सब चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो नीम का ही बना सकते हो आप। अब ये देखिए टूटा हुआ है, ये करीब करीब सारा वेट इसका किया तो एक
एक केजी है। ये देखिए, ये सब टूटा रखा हुआ था। मेरे पास नीम भी, धतूरे के पत्ते भी और आक के पत्ते भी। अगर आपके पास नीम कम मिले तो इसकी ये भी डाल सकते हो इस तरह से, ये भी तोड़ के इसमें डाल सकते हो, और मुलायम लकड़ी भी इसमें तोड़ के इस तरह से डाल सकते हो। अब ये देखिए, ये सारे पत्ते एक केजी करीब है। इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे। दो लीटर पानी डालकर इसको हम इस पे आग पर चढ़ा दें। ये आग पे मैंने चढ़ा दिया और इसको इतना पकाएंगे कि ये आधा लीटर रह जाए। फिर इसको ठंडा होने पर छानकर बोतल में भर लेंगे और एक दिन छोड़े एक दिन डेली स्प्रे करेंगे। 1 लीटर में केवल 1 ढक्कन डालना ही काफ़ी होगा। और वो हम अभी आपको करके भी दिखाएंगे। अभी तो हम इसको बॉईल कर रहे हैं। इस तरह से आप गैस पे भी, चूल्हे पे, जो भी आपके पास हो उसमें आप बॉईल कर सकते हैं। अब देखिए, इसको ढक के मैंने बॉईल कर लिया। ये देखिए, ये इस तरह से इसका जितना अर्क है सब पानी में निकल आया। ये देखिए, इधर से बस ये बॉईल हो गया। और इसमें अब हम थोड़े से 50 ग्राम हरी मिर्च और 1 पीस ये लहसुन की 10-12 कलियां इस तरह से छानने के पहले हम इसमें डालेंगे। अब ये बॉईल हो गया, ये ठंडा हो जाएगा तो हम छान के आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए, बनके तैयार हो गया और इसमें हम लहसुन और मिर्ची कुटी हुई डाल दे रहे हैं। इससे क्या है, और भी ये तीखा बनेगा। और लहसुन की महक तो आप जानते हैं, सारे कीटाणु भागते हैं। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा छान के निकाल के छान रहे हैं। देखिए इसका ये कलर है। देखिए अब ये है, मैंने 2 लीटर की बॉटल वाटर से भर ली। अब इसमें हम ये 1/2 ग्लास नीम का पानी डाल रहे हैं और इस तरह से इसको अभी देखिए, टमाटर का पेड़ है, इसके सारे पत्ते मुड़ रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से नहला देंगे इस तरह से, नीचे से, ऊपर से, साइड से, चारों तरफ से इसमें इसको डाल दो। और एक ही दिन, अभी आज ही नहीं, आज के बाद में कल को छोड़ के परसों फिर डाल दो, जब तक कि ये बिल्कुल इसके पत्ते स्वस्थ ना हो जाएं। इस तरह से पूरे टमाटर को, इस तरह से पूरे टमाटर को नहला दिया। और इसी तरह से वो मिर्ची को, खूब अच्छे से सारा पत्ते, जितने भी पत्ते हैं इनको इस तरह से लचा के, क्योंकि नीचे से ये बहुत ज़्यादा अटैक हो करते हैं। ये देखिए, एक तरह से इसको बिल्कुल धो दो इस पानी से। इस तरफ से भी और इस तरफ से घुमा के पेड़ को थोड़ा सा तिरछा करके
इसके सारे पत्ते धुल जाने चाहिए तभी ये असर करेगा, नहीं तो ऊपर से आपने डाल दिया तो नीचे ये वैसे ही वैसे बनी रहेंगी इस तरह से। इस तरह से आपके जिस पौधे में ये पत्ते मुड़ रहे हों आप हर एक में डाल सकते हो, या मिली वे सफ़ेद वाला कीड़ा जो होता है वो लगा हो उसमें भी डाल सकते हो आप। पेड़ को चारों तरफ से अच्छे से नहला दो। ये देखिए इस तरह से पूरा ये इनको धो दो इसी पानी से, इतने प्रेशर से लगाओ इसको कि ये धुल जाए। इस तरह से सारे पत्ते जो भी इसके गंदे हैं इस तरह से सारा धुल जाएगा और इसकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपका पेड़ फिर से स्वस्थ हो जाएगा। ये देखिए फ्री का लिक्विड और 100% कारगर। तो दोस्तों कैसे लगा आपको मेरी दादी माँ का ये नया वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।